अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल ब्रदर मोबाइल। उम्मीद देख रहे होंगे फिट होंगे। तो गाइस, ओप्पो का न्यू मॉडल A3 जिसकी पहली कमर्शियल ही अपने चैनल पे हम अपलोड कर चुके हैं, आज ये मॉडल मार्केट में इन हो गया है। तो आज इसका अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, इसका रिव्यू करेंगे कि ओप्पो A3 डिवाइस कैसी है और इसके फीचर कैसे हैं और इसकी प्राइस क्या है। तो इस वीडियो में मैं तमाम इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा, साथ रहिएगा। तो आइए रिव्यू, इसका रिव्यू करते हैं, इसे ओपन करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओप्पो A3, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें दो वर्जन है, मैं आपको दो वर्जन है इसमें बताता चलूं। एक है 6128 और दूसरा है 8 6256। ये मैं 6256 वाला अनबॉक्स करने जा रहा हूं। ये अनबॉक्सिंग हो गया है, डिवाइस को रख रहे हैं एक साइड पे। पहले दे इसके एक्सेसरीज चेक करते हैं कि कंपनी ने एक्सेसरीज में क्या क्या चीज़ दी है जो कि हमारे व्यूवर सब्सक्राइबर के लिए फायदेमंद है, क्योंकि जितनी ज़्यादा एक्सेसरीज अच्छी होती है उतनी डिवाइस के लिए भी अच्छा है और अपने व्यूवर के लिए भी बहुत अच्छा है। तो ये सबसे पहला आया ट्रांसपेरेंट, बहुत सॉफ्ट है, कमाल का दिया है। और उसके बाद देखते हैं, ये डेटा केबल है, टाइप सी टू USB है ओप्पो का। और ये अडाप्टर है, सबसे बड़े ऑप्शन इन्होंने 45 वाट का सुपर वो फास्ट चार्जर दिया हुआ है ओप्पो ने। चार्जर तो बहुत कमाल का दिया है यार इन्होंने। अब ये देखते हैं, ये इनकी बुक्स हैं और साथ में ये कॉमन पिन भी दिया है जो सिम के लिए इस्तेमाल हो रही है। तो ये एसेसरीज हो गई। अब बात जाते हैं इनकी डिवाइस की तरफ, आप देखते हैं कि डिवाइस कैसी है। वाह यार, A1 बहुत अच्छी डिजाइनिंग दिया है ओप्पो A3। आप इसकी शाइनिंग चेक करें, देखें बहुत कमाल की इसकी शाइनिंग दी है, डिजाइनिंग दी है, बहुत अच्छी लग रही है डिवाइस, मुझे बहुत पसंद आई है। आप इसके फीचर देखें हैं, क्या फीचर भी बहुत कमाल के हैं डिवाइस की तरह। क्या लगता है आपको, मार्केट में इन हो जाएगी और कामयाब हो जाएगी और बाकी कंपनियों का ये कंपेयर कर लेगी, उसका मुकाबला सख्त कर लेगी, क्या वैसे लगता है आपको। डिवाइस बहुत प्यारी है। मुझे तो अच्छी लग रही है डिवाइस। और इसकी शाइनिंग चेक करें, आपने देखी है इसकी डिजाइनिंग चेक करें, ये देखें इसका जो व्हाइट कलर है बहुत अच्छा कलर बनाया है यार, मुझे बहुत पसंद है इसका व्हाइट कलर। इसे ऑन करते हैं, जब तक ऑन होता है मैं आपको इसकी सेटिंग वगैरह चेक करा देता हूँ। ये देखें बहुत ही स्लिम स्मार्ट है और 7.7 mm है, बहुत स्मार्ट है और बिल्कुल हैंडी सेट है, खूबसूरत भी है, डिजाइनिंग न्यू लुक है, न्यू डिजाइनिंग है। 7.7 mm ब्रीकनेस है इसकी और साइड पे ये फिंगरप्रिंट भी है, पावर बटन है और ये वॉल्यूम अप डाउन की है। और ऊपर की साइड बिल्कुल प्लेन है, कोई ऑप्शन नहीं है, यानी कि इसमें डुअल स्पीकर का ऑप्शन नहीं है, सिंगल स्पीकर ही होगा। और साइड पे ये सिम स्लॉट है, बाकी साइड बिल्कुल प्लेन है। साइड देखते हैं कि मेमोरी कार्ड का ऑप्शन है कि नहीं है, बिल्कुल है, गुड ऑप्शन है, 2 SIM है प्लस मेमोरी कार्ड का ऑप्शन है। आप आ जाते हैं नीचे की तरफ, नीचे देखते हैं ये हैंड फ्री के लिए जैक इस्तेमाल हो रहा है, 3.5 का ऑडियो जैक, ये माइक है, ये चार्जिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है टाइप सी और ये स्पीकर है पावरफुल। ये डिवाइस भी ऑन हो गई। अब इसकी करते हैं सेटिंग और दिखाते हैं आपको इसके कलर ग्राफिक्स भाई लुक और में मुझे ये डिवाइस बहुत प्यारी लगी है। देखते हैं क्या इसके कलर ग्राफिक्स भी बहुत अच्छे हैं। वैसे अगर देखा जाए तो कैमरे में ओप्पो का मुकाबला नहीं है, क्योंकि माँ के बाद सबसे ज़्यादा यही खूबसूरत दिखता है, इंसान इसमें खूबसूरत नज़र आ जाता है। जो हाँ, मेरी ब्यूटी में ओप्पो का कैमरा बहुत बहुत अच्छे शुरू हैं, से। जो मेरी तरह ब्लैक भी है तो उसकी भी तस्वीर बहुत अच्छी आ जाती है। यार मुझे बहुत डिवाइस अच्छी लगती है, नहीं वैसे ये बहुत डिवाइस, अच्छी लगी है। हाँ डिवाइस भी प्यारी है। ये देखिए ऑन हो गई है डिवाइस। अब इसके कलर ग्राफिक्स, सबसे पहले मैं आपको इसकी ब्राइटनेस फुल करते हैं और देखते हैं कि कलर ग्राफिक्स कैसे हैं। बहुत अच्छे हैं यार कलर ग्राफिक्स। अच्छे हैं यार कलर ग्राफिक्स।
डिवाइस अच्छी लग रही है। 6.7 आईपीएस बिग डिस्प्ले है ओप्पो A3। और मैं अगर आप इसके रैम रो आपको शेयर करूँ, ये 6 GB रैम है और 6 आप एक्सटेंड कर सकते हैं, 12 GB रैम हो जाएगी। और इसकी रोम जो है 256 है, इसमें दो वर्जन है, एक 6/128 है, एक 6/256 है। मैं ये 6/256 मैंने ऑन किया हुआ है, बाकी तमाम फीचर सेम है, जस्ट रोम का डिफरेंस है 6/256 और 6/128। वैसे 6/256 ये न्यू डिवाइस आई है ओप्पो की जो 6/256 है, नहीं तो 8/256 भी है और ये 6/256 है। ये आप इसके बाद बाकी तमाम कंपनियां भी निकालेंगी इसकी कंपटीशन में 6/256, तो 6 GB रैम 256 GB रोम के साथ 6.7 IPS बिग डिस्प्ले है और FHD इसके कलर ग्राफिक्स हैं, बहुत अच्छे हैं कलर ग्राफिक्स। और जो अगर इसका मैं प्रोसेसर आपको शेयर करूं तो इसमें आक्टा कोर है प्रोसेसर, स्नैपड्रैगन 4th Generation 1, ये सेम प्रोसेसर लगा हुआ है जो ओप्पो A3X इसका पिछला मॉडल है उसमें भी प्रोसेसर इसका सेम लगा हुआ है, जस्ट रैम का डिफरेंस है और इसकी शाइनिंग और खूबसूरती और डिजाइनिंग का डिफरेंस है। तो प्रोसेसर इसमें बहुत अच्छा है और IP54 वाटर रेजिस्टेंट, डस्ट रेजिस्टेंस भी है, 5000 mAh बैटरी है, 5100 बैटरी है, 5000 से बढ़ के 5100 हो गई है, 5100 mAh बैटरी है। और साथ में 45 W का सुपर वोक चार्जर है जो कि बहुत ही अच्छा है, गुड ऑप्शन है। और साइड पे फिंगरप्रिंट भी दिया है उन्होंने और फ्रंट पे फेस लॉक भी है। 90 Hz इसका रिफ्रेश रेट है, स्क्रीन जो रिफ्रेश रेट है 90 Hz इसका रिफ्रेश रेट है। तो डुअल सिम है, मेमोरी कार्ड का ऑप्शन भी है। और जो इसका बैक वाला कैमरा है वो है 50 MP और ये बतौर अल्ट्रा वाइड जो इस्तेमाल हो ये 2 MP है। और फ्रंट जो सेल्फी कैमरा है वो है 5 MP, फ्रंट 5 MP, मेरे ख्याल के मुताबिक 5 MP कम नहीं दे दिया, कम से कम 8 MP देना चाहिए था। खैर रिजल्ट चेक करते हैं, देखते हैं कि ये 5 MP में भी बहुत अच्छा हो, जो 13 MP से भी बहुत अच्छा हो, ये तो रिजल्ट पे भी चेक होने पे पता चलेगा। तो इसका रिजल्ट चेक करते हैं, देखते हैं ये 50 MP ओप्पो का कैसा है। ये देखें, ये 50 MP ओप्पो का है, कैसा लग रहा है आपको रिजल्ट? ये सच्ची बताऊं तो रिजल्ट इतने खास नहीं लग रहा, ये तो कंपेयर में ज्यादा पता चलेगा। मैं भी बताऊं तो कोई खास अच्छा नहीं है रिजल्ट इससे। तो जो टेक्नो का न्यू मॉडल है स्पार्क 30 Pro वो भी बहुत अच्छा है, उसका कैमरे का रिजल्ट। और इसका रेट ज्यादा है? हाँ जी, इसका रेट भी है भी बहुत ज़्यादा, रेट में बहुत ज़्यादा है। देखते हैं कि क्या इसमें पोर्ट्रेट नहीं है। ये आ गया पोर्ट्रेट भाई, मैंने कहा पोर्ट्रेट नहीं है ऑप्शन, ये तो फ्रंट पे है भाई। बैक पे देखते हैं पोर्ट्रेट, बैक पे पोर्ट्रेट नहीं है। ये देखिए, ये मैंने बैक कैमरा ओपन किया हुआ है, इसमें कोई वीडियोस फोटो, ये मैं मोर में गया, यहाँ पे पोर्ट्रेट का ऑप्शन है, इसे जैसे ही ऑन करूंगा ये फ्रंट कैमरा ऑन हो जाएगा। और बैक का ऑप्शन ही नहीं है इसमें, बैक का ऑप्शन ही नहीं है पोर्ट्रेट का इसमें। यार आजकल तो पोर्ट्रेट में तस्वीरें बहुत बना रहे हैं और है भी पोर्ट्रेट का वो दौर। हाँ जी, ये इसका बैक वाला 50 MP है और फ्रंट देखते हैं कि फ्रंट इसका जो 5 MP है, ये इसका 5 MP है फ्रंट। मजा नहीं है? हाँ मजा नहीं है यार, बाकी खूबसूरती में तो डिवाइस अच्छी लगी है और डिजाइनिंग में भी बहुत अच्छी लगी है, लेकिन कैमरे में यार मुझे मजा नहीं आया। ओ स्ट्राइक में सारे ना दिखाई सजी थे मारी खबी। हाँ कैमरे में मुझे खास मजा नहीं आया ओप्पो A3, जबकि आप मैं इसकी प्राइस आपको बताऊं, ये जो 6/256 है इसकी 60,000 इनवाइस है और ये लेस के साथ मिलेगा आपको 54,000 में, और जो इसका 6/128 वाला है उसकी 50,000 इनवाइस है और वो आपको लेस के साथ 45,000 में मिलेगा। 45,000 में और 55,000 में, 54,000 में आपको ओप्पो A3 मिलेगा, लेकिन कैमरे का खास
रिजल्ट अच्छा नहीं लगा मुझे, और मुझे नहीं लगता ये मार्केट में खास इन हो पाए, और इतनी रेंज ज्यादा है और ऊपर से फीचर भी कोई खास मजे की नहीं और है। ऊपर से जो निज़ाम बना हुआ है टफ कंपटीशन, उसमें ये बिल्कुल अपनी ऐसे जगह है, कैसे बनाएगा? बिल्कुल ऐसे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो टेक्नो का न्यू मॉडल आया था Spark 30 Pro, उसका इसके साथ कंपेयर करेंगे। मेरे ख्याल में वो डिवाइस विन कर जाएगी इससे। वो इससे रेंज में भी बहुत अच्छी है, क्योंकि उसकी इनवॉइस से 46,000 है और वो लेस के साथ 43,000 में है, और ये है 45 में। अगर इसका 6/28 वाला वर्जन भी लें 45,000, 43,000। फीचर देखें बहुत फर्क है, कंपेयर करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इन दोनों मॉडलों का। तो इसके साथ ही अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए, और साथ ही हमारी शॉप की लोकेशन नोट कर लीजिए। हमारी शॉप का नेम है सिटी फोन, लियाकत बाजार ब्लॉक 15, डेरा गाजी खान, और हमारे चैनल का नाम है बरादर मोबाइल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें। और हाँ गाइज, ये मैं आपको अपना ही पसंद बता रहा हूँ कि मुझे ये डिवाइस अच्छी नहीं लगी, कि बाकी हर किसी की अपनी पसंद है। मे भी किसी का ये अव्वलीन पसंद हो Oppo A3, उसका मैं दिल नहीं तोड़ना चाहता। मैं अपनी पसंद की बात कर रहा हूँ, मुझे ये डिवाइस इस रेंज में खास पसंद नहीं आई। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, फ़ी अमानिल्लाह।